स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 9.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 16। क्या कह रहा है? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय fx इक्वल टू में, किससे डिफाइन है फंक्शन, मोड x माइनस का मोड x प्लस 1। हमें इसमें अलग अलग केसेस लेने होंगे। केस फर्स्ट देखते हैं, यहां पे ले लेते हैं कि when x is less than or equal to minus 1, minus 1 से less than or minus 1 के इक्वल होगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं fx जो होगा, fx क्या हो जाएगा, देखो माइनस वन से लेस देन और इक्वल लेने पे ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव में होगा, निगेटिव होगा, तो निगेटिव ऑफ x फिर माइनस ये जो होगा ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव ऑफ x प्लस वन। यहाँ हो जाएगा माइनस x और प्लस का x प्लस वन, x से x कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं केस सेकेंड, लिख लेते हैं कि वेन एक्स जो होगा माइनस वन से ग्रेटर हो बट लेस देन जीरो हो, बट लेस देन जीरो हो तो क्या होगा एफ एक्स का वैल्यू। तो देखो माइनस वन से जीरो के बीच में लाई करेगा तो ये निगेटिव होगा और माइनस वन से जीरो के बीच में ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, माइनस एक्स माइनस का एक्स माइनस वन यानी माइनस का टू एक्स माइनस वन। ठीक है, अच्छा केस थर्ड ले लेते हैं, केस थर्ड ले लेते हैं when x is greater than or equal to 0, तो fx का वैल्यू क्या होगा। तो देखो 0 से ग्रेटर और इक्वल के लिए ये पॉजिटिव होगा और ये वाला भी पॉजिटिव होगा। चलिए, तो इसका मतलब x माइनस एक्स और माइनस वन, ये x से x कट जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो अब हमारा ये जो फंक्शन fx है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, fx इक्वल टू में fx का वैल्यू हो जाता है 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन, और fx का वैल्यू होता है माइनस का 2x माइनस वन इफ x इज, x जो है माइनस वन से 1 के बीच लाई करें। ठीक है, माइनस वन से 1 के बीच लाई करें, और fx का वैल्यू हो जाता है माइनस का 1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस वन से 0 के बीच ना, ये माइनस वन टू 0 के बीच, माइनस वन से 0 के बीच। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, तो हमें 0 पर और माइनस 1 पे चेक करना होगा। एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन पावर में माइनस देते हैं और फंक्शन आपका है एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन पावर में माइनस, और माइनस वन से लेस देन के लिए फंक्शन है वन और वन का लिमिट वन ही हो जाएगा, फंक्शन का लिमिट वही हो जाता है ना जी। चलिए अब इसका राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन पावर में प्लस और फंक्शन है आपका एफ एक्स, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू माइनस वन पावर में प्लस और एफ एक्स का वैल्यू माइनस वन से ग्रेटर के लिए है माइनस का टू एक्स माइनस वन, यानी हो जाएगा माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस वन, टू माइनस वन यानी कि वन। और अगर हम लोग f माइनस वन के वैल्यू की बात करें तो माइनस वन पे वैल्यू वन हो जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के और इक्वल है f माइनस वन के। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस वन। तो माइनस वन पे तो हो ही गया, अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ जीरो पर। चलिए, तो अब जीरो के लिए यहाँ पर चलते हैं, जीरो के लिए तो इसका हम लोग अब देखते हैं नाउ एट x इक्वल टू जीरो पहले इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिखते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो पावर में माइनस और फंक्शन आपका है fx, लिमिट x टेंस टू जीरो पावर में माइनस, जीरो से लेस देन के लिए यहाँ पे ये है माइनस का टू टू एक्स माइनस वन यानी माइनस टू इंटू जीरो माइनस वन, माइनस का वन आ जाएगा। चलिए अब इसका राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू जीरो पावर में प्लस और फंक्शन आपका है fx, चलिए लिमिट x टेंस टू जीरो पावर में प्लस और fx का वैल्यू जीरो से ग्रेटर के लिए माइनस वन है तो इसका लिमिट वही हो जाएगा, और f जीरो का वैल्यू भी यहाँ पर देख रहे हैं इक्वल के लिए माइनस का वन है। तो हम लोग देख रहे हैं तीनों इक्वल हो जा रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इक्वल है राइट हैंड लिमिट के और इक्वल है किसके, f जीरो के। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, ये जीरो पर कंटिन्यूअस है। तो जब ये जीरो पर कंटिन्यूअस हो गया तो अब माइनस वन पे भी हो गया, तो लिख सकते हैं कि हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस
एट ऑल पॉइंट्स, और ये भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स हैज नो पॉइंट ऑफ, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ फंक्शन दिया हुआ है, ये कंटिन्यूअस है जीरो पर, ये हमें चेक करना है कि नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन देख दिया हुआ है, कह रहा है इज द फंक्शन एफ एक्स क्या जी एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, या तो एक्स जीरो से लेस देन लेंगे या एक्स जीरो से ग्रेटर लेंगे, और इसका वैल्यू जीरो हो रहा है जब एक्स इक्वल टू में है जीरो। अब इसके बाद देखिए, इसके सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, जीरो पे ना चेक करना, जीरो से निगेटिव आपका फंक्शन है एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में माइनस, यहाँ पे आ जाएगा जीरो से लेस देन के लिए एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, साइन वन बाई एक्स। अच्छा, इसमें अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, इसको एक्स क्यूब कर देते हैं और यहाँ साइन वन बाई एक्स और बाई में वन बाई एक्स कर देते हैं, लेकिन बाई में वन बाई एक्स करेंगे तो हमें यहाँ एक्स ही सिर्फ लेना होगा, एक एक्स को मैंने डिवाइड में भेज दिया, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि ये पलटेगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में माइनस और यहाँ एक्स, और फिर यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में माइनस साइन वन बाई एक्स बाई वन बाई एक्स, मैंने यहाँ गलत लिखा था, ठीक है जी। चलिए, तो इसका तो जीरो हो जाएगा और इसका लिमिट वन, तो यहाँ जीरो ही ना आ जाएगा। अच्छा, अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में प्लस और फंक्शन आपका एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में प्लस, यहाँ फंक्शन जीरो से ग्रेटर के लिए भी यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, तो यहाँ भी उसी तरह से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में प्लस एक्स इंटू में साइन वन बाई एक्स बाई में वन बाई एक्स, ये पलटेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में प्लस, ये आपका एक्स, और फिर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में प्लस और यहाँ साइन वन बाई एक्स बाई वन बाई एक्स, तो इसका वन और इसका जीरो, इसका लिमिट जीरो हो जाएगा, जीरो और इंटू वन, ये आपका जीरो हो जाएगा। और एफ जीरो की वैल्यू की बात करें, फंक्शन का जीरो पर क्या हो रहा है, तो जीरो पर यहाँ पर जीरो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के और इक्वल है एफ जीरो के, तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पर एक कंटिन्यूअस है, समझे ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पे गिवन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स प्लस वन, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स के लिए हमें डिसकंटिन्यूटी बतानी है। तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू में फंक्शन दिया है वन बाई एक्स प्लस टू, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इस फंक्शन की बात करें, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज डिफाइंड, फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू आर, एक्स इक्वल टू आर इक्वल देते हैं, बट किसको छोड़कर, एक्स के किसी भी रियल नंबर के डिफाइंड को, बस किसको छोड़कर, टू को छोड़कर, माइनस के टू को छोड़कर, क्योंकि माइनस टू रखने पे ये नीचे जीरो आ जाएगा, यानी कि नॉट, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो डोमेन हुआ, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन जो हुआ, रियल नंबर बट किसको छोड़कर, माइनस टू को छोड़कर, तो माइनस टू को छोड़कर इसका मतलब यह हुआ कि माइनस टू पर यह डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइन नहीं है, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू पर ये डिफाइन नहीं है, दे आर फोर हम लोग यहाँ पे ये माइनस टू पर डिफाइन है, यानी कि माइनस टू पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, हम लोग अब एफ ऑफ एफ एक्स की बात करते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू वन बाई एक्स प्लस टू यहाँ रख दिया। अब फंक्शन एफ में एक्स की जगह ये रखना है तो आ जाएगा वन बाई एक्स प्लस टू प्लस टू। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। वन बाई नीचे आपका एक्स प्लस टू, यहाँ हो जाएगा वन प्लस का टू एक्स प्लस का फोर, ये ऊपर चला जाएगा एक्स प्लस टू, और बाई में नीचे आ जाएगा टू एक्स प्लस का फाइव। अच्छा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एफ एक्स is defined at x
एक्स इक्वल टू आर, बट इसको छोड़कर तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ माइनस के 5/2 को ना रखें तो ये इस पर डिफाइन होगा, क्योंकि माइनस 5/2 रखने पर यहाँ पर क्या जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। यानी कि अगर हम लोग इसके डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एफ की, तो इसका डोमेन जो हो रहा है वह आर माइनस माइनस 5/2 हो रहा है। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि एफ ऑफ एफ एक्स is not defined at x equal to minus 5/2। तो माइनस 5/2 पे डिफाइन नहीं हो रहा है और ऊपर वो माइनस 2 पे डिफाइन नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं therefore f of fx is discontinuous, क्योंकि इस पे डिफाइन नहीं है तो discontinuous ही होना होगा जी, continuous at x equal to minus 2 and माइनस फाइव एक्स इक्वल टू माइनस 5/2। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ टी इक्वल टू में दिया है 1/t² प्लस का t-2 वेयर टी इक्वल टू में 1/x-1। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है t इक्वल टू में 1/x-1 इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू कितना पर, 1 पर, x की जगह 1 रखेंगे तो ये डिफाइन नहीं होगा, नहीं ना डिफाइन होगा यार। इसका मतलब ये सकते हैं कि t इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। अच्छा, अब आगे देखिए, हमारे पास एफ टी इक्वल टू में दिया हुआ है 1/t² प्लस का t-2, इसका फैक्टर कर लेते हैं, 1/t² प्लस का 2t - t-2। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1/ टी प्लस 2 और इंटू में t-1। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिए, यानी कि अगर हम लोग एफ टी की बात करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि एफ टी इज नॉट डिफाइंड एट टी इक्वल टू माइनस 2 एंड टी इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ 1 पे ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस 2 रखने पे जीरो, तो ये नॉन डिफाइंड कब होगा, जब टी का वैल्यू माइनस 2 या 1 लेते हैं तब। अब देखिए, माइनस 2 या 1 लेते हैं तब, तो दोनों केस हो गए, एक बार इनको और इनको देख लेते हैं। t इक्वल टू माइनस 2 पे जब डिफाइन नहीं है, यानी t की जगह पर हम लोग 1/x-1 रखेंगे, तो x हमें x से ना मतलब है ना जी, x के वैल्यू के लिए मतलब है, इसलिए हम लोग इसको इक्वल कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका x-1 इक्वल टू में माइनस 2, पलट दिए, ये -1/2 हो जाएगा, इधर पलट दिए दोनों को, इसको ले जाते उधर प्लस का, तो x इक्वल टू में -1/2 और प्लस का 1, तो x का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1/2 पर आपका डिफाइन नहीं होगा, है ना। अच्छा, और दूसरा अगर हम लोग एक और देखें, व्हेन टी इक्वल टू 1, तो टी इक्वल टू 1 पे देखिए, यानी कि 1/x-1 = 1, यानी हो जाएगा x-1 = 1/1, यानी x का वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से 2, तो ये 2 पर, 1/2 पर, और x का ऊपर जो एक आया था 1 पर, इस पे ये डिफाइन नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि hence f t is discontinuous at x equal to 1/2, 1 and 2, यही ना मैं निकाल लेता। तो यहाँ पर हमने जितने भी discontinuous पॉइंट है, इसके पॉइंट ऑफ discontinuity, वो सभी के सभी दिखा दिए आपको। तो यही आपके क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करेंगे कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।